हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स इंटरेस्ट पेपर तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे पास लेट एक्स एंड बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इफ एक्स वन ग्रेटर देन पाई प्लस रूट टू एंड एक्स एन प्लस वन इक्वल टू पाई प्लस एक्स एन माइनस पाई फोर एन ग्रेटर देन वन, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। ये हमें सॉल्व करना है फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कीजिए, वरना आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लेट एक्स वन इक्वल टू पाई प्लस 1.5 ले सकते हैं, क्योंकि रूट टू की वैल्यू क्या होती है, रूट टू वैल्यू 1.41 कुछ इसके अकॉर्डिंग होती है। तो ये जो है, तो यहां से जो इम्प्लाई हो गया विच इज यानी कि एक्स वन ग्रेटर देन पाई प्लस रूट टू, ये है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने यहाँ पे इसको ये ले लिया। उसके बाद हम एक्स टू को डिफाइन करते हैं, एक्स टू को डिफाइन करते हैं, तो एक्स टू क्या है, पाई प्लस इसके अकॉर्डिंग एक्स वन क्या है, पाई प्लस 1.5, पाई प्लस 1.5 माइनस पाई, तो पाई से पाई कट गया, ये आ गया हमारे पास पाई प्लस रूट 1.5, और रूट 1.5 की वैल्यू फ्रेंड्स हमेशा ये होती है पाई प्लस 1.224, इसके एक और लगभग होती है, ये हो गए हमारे पास। अब हम एक्स थ्री की बात करें, तो एक्स थ्री की बात करें तो एक्स थ्री है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग देखें पाई प्लस ये हो गया हमारे पास एक्स एन, यहां से आएगा हमारे पास एक्स टू, एक्स टू पाई प्लस 1.224 माइनस पाई, ये पाई, तो पाई से ये पाई कट गया, तो ये आ गया रूट 1.224 इक्वल टू, अगर इसको निकालना चाहे तो ये होगा हमारे पास 1.106। ये है फ्रेंड्स, अब बेसिकली हम इनमें देख रहे, तो इस मेथड में हम क्या देख रहे हैं, ये पहले हमारे पास 1.5 था, फिर उसका रूट निकला, तो उसका रूट निकला, तो हमारे पास 1.5 का रूट निकला, तो ये आया था हमारे पास। उसके बाद जो रूट सिर्फ 1.5 का जो रूट था, उस नंबर का रूट यानी इस नंबर का रूट फिर से निकाला है हमने 1.106। इसी तरह से अगर एक्स फोर में देखेंगे तो एक्स फोर में भी सिर्फ इसी नंबर का रूट निकलेगा। देखते हैं एक्स फोर इक्वल टू पाई प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, और साथ में पाई यहाँ पे है फ्रेंड्स, पाई प्लस ये हो गए पाई प्लस 1.106 माइनस पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, बाहर का पाई तो बिल्कुल चेंज हो ही नहीं रहा कहीं पर, और ये हो गया प्लस रूट 1.106, तो ये लगभग आ जाएगा हमारे पास पाई प्लस 1.051, इसके लगभग आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखा, तो यहाँ पर भी सिर्फ यही रूट निकला है, बाकी हमारे पास और कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो इसी तरह से इसका नेक्स्ट टर्म में इसका और रूट आएगा, नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो आएगी सिर्फ पाई प्लस रूट 1.051, इसके बाद इसका रूट आएगा, तो फिर उसके उसका भी रूट निकलेगा। अगर हम देखें तो ये रूट, इस रूट की अगर हम बात करें तो ये रूट कितना भी छोटा होता हो जाएगा, वन एक ऐसे नंबर आएगा जिसके बाद हमेशा रूट वन ही आएगा, वन जो है वन के बाद हमेशा वन से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वन आते ही इसका रूट बनाते ही वो उसके नीचे नहीं जाएगा। तो यहां से हमारे पास हो गया कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू ये हमेशा वन की तरफ टेंड करेगी, तो हमारे पास यहां से हो गया ये लास्ट टर्म, तो अगर हम एक्स एन लिखना चाहें इस केस में तो पाई प्लस और एन टाइम इसका इनफाइनाइट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो वो एन वन पे पहुंच जाएगा, तो यहां से हमारे पास हो गया एक्स एन बराबर पाई प्लस वन, लास्ट की टर्म जो होगी वो इसकी लिमिट जो होगी वो पाई प्लस वन होगी, जो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट था शायद कि पाई प्लस वन जो ऑप्शन था वो था, तो यहाँ पे ऑप्शन था हमारे पास पाई प्लस वन, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था।
तो फ्रेंड्स ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।